गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू गेमिंग इंडोर्स। गेमिंग इंडोर्स की एक और वीडियो में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग एक इंडियन ट्रक सिमुलेटर गेम दोबारा से खेलने वाले हैं। गेम बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन गेम है। तो सबसे पहले इस गेम में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, एग्जिट, रेटस, सेटिंग और स्टार्ट। स्टार्ट में आपको पता है कि गेम स्टार्ट हो जाएगा, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस गेम हम लोग सबसे पहले सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग पे तो अब ये देखिए, रिजोल्यूशन 1080p, मतलब कि जो गेम की क्वालिटी होगी वो बेस्ट क्वालिटी होगी। जैसे आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे भी ऑप्शन होता है रिजोल्यूशन का, उस पर जो क्वालिटी होती है, जैसे मान लीजिए 720p में आपको चाहिए या फिर 1080p में चाहिए, फिर उससे भी ज़्यादा चाहिए आपको, 4K में चाहिए, यहाँ तक भी मिल जाती है। और क्वालिटी सेटिंग में आप देखिए हाई पे, तो जैसे ही हम हाई पे क्लिक करेंगे तो फैंटास्टिक पे हो जाएगी, मीडियम पे करेंगे तो गुड हो जाएगा। आपको पता ही है, देखिए फैंटास्टिक की सबसे बेस्ट क्वालिटी हो गई। अगर मैं 720p पे क्लिक करता हूँ तो 720p पे आ गया रेजोल्यूशन। हम करना चाहते 1080p पे रेजोल्यूशन। तो अभी बिल्कुल सेटिंग सही है, आपके फ़ोन में, आपके डिवाइस में गेम बहुत ही सही चलेगा। तो सेटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है, अभी गेम की तरफ बढ़ते हैं। इसको बंद करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और पहले लेवल से स्टार्ट करते हैं। ये है वो ट्रक। चलिए, वेट अ सेकंड फॉर लोडिंग। ये देखिए काफ़ी सारे इसमें बटन्स दिए गए हैं। सबसे पहले ट्रक को स्टार्ट कर देते हैं, ट्रक इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। तो ये इसका हैंडल, उसमें हॉर्न। आप ये देखिए, ये जो पहला हॉर्न आपको दिख रहा, सिर्फ आप वही प्रेस कीजिए। अगर आपने दूसरा और तीसरा हॉर्न प्रेस किया तो उसमें, जैसे आपने देखा होगा कई जो ट्रकों में हॉर्न होता है उसमें वो गाना लगा के रखते हैं, जैसे मैनिकला गडले के इस प्रकार का गाना लगा के रखते हैं, तो इसमें भी वो आपको सुनने को मिलेगा। और एक चीज़ और बात करें, मैं इस गेम का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आपको जो दो हॉर्न जो मैंने नहीं सुनाया, अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप मैंने इस गेम का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप इसको इंस्टॉल करिए, जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल अभी बढ़ते हैं आगे। तो चलिए, तो इंजन स्टार्ट था यहाँ पे। तो ये रोड आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, ऑफ रोड बोल सकते हैं उसको। हम लोग अभी सड़क पर चल रहे फ़िलहाल, तो हमें भी देख डायरेक्शन मिल गई, हमें उस मिट्टी वाले जगह पे जाना है, वो एक ऑफ रोड लोकेशन हो जाती है। ये देखिए हमें बढ़ते जाना भी, आपको लग रहा होगा कि ये ट्रक खाली क्यों है। तो इस रिफिल्ड डीजल, पे फॉर गैस, योर अकाउंट बैलेंस 900, पे फॉर गैस। तो मैंने यहाँ पे, अभी ये ट्रक बंद हो गया था तो मुझे लगता कि जो ट्रक है ये CNG गैस से चलता। आपको पता है कि अपने इंडिया में बहुत सारे ट्रक ऐसे हैं जो CNG गैस से चलते हैं, डीजल से भी चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ट्रक वो CNG में कन्वर्ट हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ, पार्क कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पे, ये एक स्टोरेज पॉइंट है, जहाँ पर आपको पता हो जो स्टोरेज होता है उसमें काफ़ी प्रकार का सामान स्टोर किया जाता है, चाहे वो सामान किसी प्रकार का क्यों ना हो, चाहे कोई रॉ मटेरियल हो, कोई फ्रूट्स हो सकती है, कोई वेजिटेबल हो सकती है, कोई प्लास्टिक ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई आयरन ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेयर हाउस पे आप बोल सकते हो, वेयर हाउस भी बहुत बड़े होते हैं, स्टोरेज पॉइंट भी बहुत बड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, एक कोई वेयर हाउस है, मान लीजिए गेहूँ का, फिर बाजरे का, उसकी जो क्वान्टिटी है वो 1,00,000 टन की है, तो उसमें सिर्फ 1,00,000 टन ही बाजरा फिर वीट आए, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो वो तब उसमें पूरा कंप्लीट होगा जब मान लीजिए कि 1,00,000 टन एक बार भी नहीं जा सकता। मान लीजिए कि वहाँ से किसी को कोई ऑर्डर आ गया कि 50,000 टन हमें गेहूँ चाहिए किस जगह के लिए, मान लीजिए वो मान लीजिए जैसे राजस्थान से जाएगा, और कहाँ जाएगा वो जाएगा उड़ीसा में जाएगा। तो 50,000 टन किस कैसे जाएगा, या तो बाय रैक जाएगा, ट्रक में भी जा सकता है, लेकिन जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो बाय रैक ही जाता है। तो उसमें से हम कोई भी ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये
अपने जो बॉक्सेस, ये तो अपने देखे ही होंगे, लकड़ी है ये वुडन लॉक्स है, ये कंटेनर है जो स्टील कंटेनर, इनके अंदर केमिकल होता है, जो बॉक्सेस होते हैं इनके अंदर फ्रूट फ्रूट होते हैं और वेजिटेबल भी स्टोर करके ले जा सकते हैं। आपको पता होगा कि जैसे कि अनार हो गया, फिर मैंगो हो गए, तो उनको इसी प्रकार के बॉक्सेज में स्टोर किया, स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो दूसरा ये भी कंटेनर, ये जो कंटेनर मैंने बताया था कि इनमें कोई हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई ऑयल हो सकता है, तो आज हम कुछ डिफरेंट चीज़ ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो ये करेंगे। देखिए इसके अंदर भी ये जो आप देख रहे हो, इसके अंदर मैंने देखा, अगर आपने नहीं देखा होगा, ये इसके अंदर पानी जाता है, पानी होता है, पानी भी हो सकता है और कोई चीज़ में ट्रांसपोर्ट करनी वो भी हो सकती है। तो चलिए हम अपने ट्रक को थोड़ा सा बैक ले लेते हैं, यू टर्न कर देते हैं ट्रक को। ये देखिए इस प्रकार से डायरेक्शन आपको दिख रही होगी, हमें राइट टर्न करना है। तो अभी देखिए सावधानी से चलिए, आपको बहुत अच्छे से चलना है, आप देख सकते हो अगर ट्रक गिरा तो एक खाई में मिलेगा। ये देखिए मैंने एकदम से मोड़ दिया है इस ट्रक को, ये देखिए। चलिए तो चलते जाना आगे, इसका कैमरा भी है, धीरे से चलिए, धीरे से चलाना होगा, अभी कोई भी इसमें ट्रैफिक नहीं दिख रहा रोड पे। ये कैमरा भी इसका अच्छा है। अब मुझे ऊपर जाना होगा, लोकेशन देख सकते हैं कितनी डेंजरस लोकेशन है, ये देखिए। चलिए चलिए चलिए, ये देखिए बिल्कुल धीरे से चलाना होगा इसको, बिल्कुल प्यार से। कोशिश करते हैं दोबारा से, क्या ये चढ़ पाएगा ऊपर। गियर अप मैंने भी कर दिया इसका, लेट्स सी क्या ये ऊपर चढ़ पाएगा। यस फाइनली चढ़ गया ऊपर। तो अब ये रोड देख सकते हो कितनी डेंजरस रोड है, बहुत ही बिल्कुल मतलब बहुत कम रास्ता है कि इसमें दूसरा व्हीकल निकल ही नहीं सकता। ये देखो ये कहाँ चढ़ गए, कहाँ रोड दिख रहा है आपको, जो पहाड़ों में रोड है ना इसी प्रकार से बनाए जाते हैं, इनको रोड को काट काट के बनाया जाता है, मतलब जो पहाड़ होते हैं उनको काट के रोड बनाई जाती है। चलिए बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल सही डायरेक्शन पर जा रहे हैं। मेरा सारा फोकस गाइस बिल्कुल इस ड्राइविंग पर ही, इसलिए मैं काफी सावधानी से ड्राइविंग कर रहा हूँ, इसलिए चलो ये देखिए। रिफ़िल डीज़ल, दोबारा से रिफ़िल करना होगा, अब इंजन भी स्टार्ट करना होगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैप को देखते जाइए, आपको इसमें मैप में दिख रहा होगा, आपको मैप के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ये है वो लोकेशन, ओके
माई जॉब इज़ कम्प्लीट नाउ, तो जो पहला लेवल था यहाँ पे कम्प्लीट हो गया। तो आप समझ गए होंगे गेम काफ़ी अच्छा था। इसमें जो मैंने बताया था कि जो हम स्टोरेज पॉइंट पे हमने जब अपना ट्रक पार्क किया था तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन थे, मैंने सिर्फ यही चूज़ क्यों किया क्योंकि ये एक डिफरेंट टाइप की चीज़ थी। इसमें ये कब कह सकते हो कि इसमें एक टैंकर है छोटा सा, इन टैंकरों में आपने देखा कभी, मैंने अपने देखा नहीं होगा, देखा है नहीं देखा, रोड पे कभी देखिएगा जो इन टैंकरों में है, या तो पानी जाता है इसमें क्योंकि इनमें हो सकता है कि एक बार में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पानी जा सकता है, इसमें पानी जा सकता और कोई चीज़ है वो भी जा सकती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिसाइड किया कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ की जाए। क्योंकि आपको पता है कि वुडन लॉग या फिर जो आयरन कंटेनर हो गए वो तो मैंने काफ़ी बार ट्रांसपोर्ट किए हैं। तो चलिए गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो प्लीज़ मेरे 100 व्यूज़ पूरे कंप्लीट कर दीजिए, आई होप आप पूरे कर देंगे। तो टेक केयर गाइस, आप सब अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।